होंडा, युंडई और मारुति सुजुकी जैसे मार्केट लीडर्स, और इन्हीं मार्केट लीडर्स की कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन्हीं बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बीच में होने वाली कटथ्रोट कंपटीशन में शामिल होने जा रही है टोयोटा की तरफ से एक बेस्ट ऑफरिंग। यस, आपने थंबनेल और टाइटल दोनों ही सही पढ़ा है। टोयोटा यारिस के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि डीलर्स ने ऑलरेडी टोयोटा यारिस के लिए बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। अराउंड 50,000 की बुकिंग अमाउंट से डीलर्स अभी बुकिंग्स को एक्सेप्ट करने लगे हैं, और बहुत ही जल्दी यानी कि मिड 2018 तक आने वाली है यारिस आपके नज़दीकी डीलरशिप में, तो डिलीवरीज भी आई थिंक सो कि मिड 2018 तक स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर आप यारिस को कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी बेस्ट कार रहेगी अपकमिंग परचेज के लिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रीजंस जो आपको अपने डिसीजंस को फाइनल करने में हेल्प करेंगे। तो रीजन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वो बेल आइकन को प्रेस करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, और सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन रहेगा इस कार में अवेलेबल यानी कि ऑफर किए जाने वाले फीचर्स। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि मैं फीचर्स की बात करता हूं तब मेरा प्राइमरी फोकस जो रहता है वो रहता है सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। और सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पे यारिस ने मुझे पर्सनली फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर दिया है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ फीचर्स का ये लिस्ट। तो सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला फीचर है 7 एयरबैग्स, जिसमें शामिल है ड्राइवर, पैसेंजर, साइड, कर्टेन और नी एयरबैग जैसे एयरबैग्स, जो एक कार को इंटीरियर के मामले में कंप्लीट सेफ पैकेज बना देती है। दूसरा जो सेफ्टी फीचर है वो है TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यस, आपको अब आपके टायर्स को फ्रीक्वेंटली चेक करवाने की ज़रूरत इस कार में नहीं पड़ेगी, और जब भी आप अपनी नेक्स्ट ड्राइव में जाएंगे तब आपको मालूम होगा कि आपके सारे टायर्स में कितना प्रेशर है। थर्ड फीचर है फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर। अभी तक आपने इस सेगमेंट की कार्स में देखे होंगे रियर पार्किंग सेंसर्स, लेकिन टोयोटा यारिस में ऑफर किए जाएंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी। क्रूज कंट्रोल भी इस कार में शामिल होगा। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक यहाँ पे इस कार में आपको मिलने वाली है। तो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक यानी कि चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक होना ब्रेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ। अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे सेफ्टी 101 के सारे वीडियोस देख ले, आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। ABS, EBD और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे भी फीचर्स इस कार में शामिल होंगे। ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, रियर कैमरा और CVT ट्रांसमिशन में ऑफर किया जाने वाला हिल स्टार्ट असिस्ट, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इस कार में शामिल होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आप ये बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसी सेगमेंट की दूसरी कार्स में ऑफर किए जाने वाले फीचर्स से कहीं ज्यादा फीचर्स इस सेगमेंट की यारिस में आपको मिल रहे हैं। और अगर रेगुलर और दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे और फीचर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल इन ऑडियो सिस्टम। तो अब आपको ऑडियो सिस्टम में जेस्चर के थ्रू ट्रैक्स चेंज होगी, वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे, और जेस्चर के थ्रू ही बहुत सारे कंट्रोल और कमांड्स आप जेस्चर के थ्रू दे पाएंगे। तो इस सेगमेंट की कार में अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन क्लास ये ऑप्शन भी शामिल है। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ फॉक्स लेदर, रूफ माउंटेड एयर रिसर्कुलेशन वेंट्स विथ LED हाइलाइट्स फॉर रियर पैसेंजर्स, शार्क फिन एंटेना और टच स्क्रीन इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, पेडल शिफ्टर्स इन CVT ट्रांसमिशन, रियर पावर आउटलेट्स और ऑप्टीट्रॉन मीटर कॉन्सोल। दूसरी चीज, रियर विंडशील्ड में आपको एक सनशेड का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलने वाला है टोयोटा यारिस में। देखा जाए तो फीचर्स के हिसाब से यारिस आपको कुछ बेहतरीन फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स यहाँ पे ऑफर कर रही है। रीजन नंबर 2 है इस कार का इंजन। यस, फिलहाल के लिए टोयोटा ने इंजन स्पेसिफिकेशंस के लिए ज्यादा डिटेल्स को रिवील नहीं किया है, और लॉन्चिंग के नजदीक आते आते ये कार के सारे स्पेसिफिकेशंस को रिवील कर देगी। फिलहाल के लिए 1.5 लीटर ड्यूअल VVTi पेट्रोल इंजन यहाँ पे इस कार में ऑफर किया जाएगा, जिसको मेट करेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन में आपको मिलने वाला है पेडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन। और हो सकता है बहुत ही जल्द, शायद अपकमिंग फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर में इस कार में डीजल इंजन भी ऑफर किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज टोयोटा की तरफ से नहीं मिला है। तो इस तरह से हो गया ये इंजन
इंजन अपने सेगमेंट में यानी कि पेट्रोल कार के अपने सेगमेंट में एक बेस्ट ऑप्शन, और टोयोटा के इंजन के रिफाइनमेंट लेवल को तो आप अच्छी तरह से जानते ही है। रीजन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा प्राइसिंग। तो मेरे हिसाब से सिटी सियाज और वरना के पेट्रोल मॉडल्स के प्राइसिंग को कंसीडर करें तो इस कार की प्राइसिंग यानी कि टोयोटा यारिस की प्राइसिंग रहनी चाहिए 8-10 लाख के बीच में, और शायद उससे थोड़ा सा कॉस्टली भी जा सकती है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो सारे फीचर्स वैल्यू फॉर मनी फीचर्स कह सकते हैं। तो अगर आप इस कार में अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रहेगा आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन। रीजन नंबर 5 यहाँ पे रहेगा डिजाइन। लुक्स, स्टाइलिंग एंड डिजाइन सब तरह से एक यूनिक और फ्रेश ऑफरिंग दिया जा रहा है यारिस में। फ्रंट में लोअर वाइट ग्रिल जिसमें डे टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स क्लस्टर जिसमें साइड में बहुत पीछे तक स्ट्रेच किया गया है, बोनेट और साइड में शार्प लाइनिंग्स दी गई है जो इस कार को स्पोर्टी येट डिसेंट लुकिंग कार बना देते हैं। वहीं ये 15 इंचेस एलॉय व्हील्स इस कार के साइड प्रोफाइल को कंप्लीट कर देते हैं एक रिच और अप मार्केट लुक देते हुए। इतना ही नहीं, रियर में टेल लाइट्स भी इंटरेस्टिंग बनाई है। ओवरऑल टोयोटा की यारिस एक ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज की वजह से यहाँ पे भी अपनी कॉम्पिटिशन में बाजी मार जाती है। रीजन नंबर 5, ब्रांड वैल्यू। यस, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सुना है, ब्रांड वैल्यू। ज्यादातर मैं ब्रांड से ज्यादा प्रोडक्ट्स में फोकस करता हूँ, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छी हो तो कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर आफ्टर सेल्स, स्पेयर्स, सर्विस और रीसेल जैसे फैक्टर्स माइंड में आ ही जाते हैं और आने भी चाहिए। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेल करने वाली ब्रांड यानी कि कार सेल्स में वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड की वैल्यूएशन करने की यहाँ पे मुझे ज्यादा जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि टोयोटा के लिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, और शायद इसीलिए टोयोटा आज है वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड कार सेल्स में। लॉन्च होने के तुरंत ही बाद अगर आपकी कमेंट्स आती है तो मैं डेफिनेटली इस कार के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको 5 फैक्टर्स ऐसे बताया, 5 रीजंस ऐसे बताया कि टोयोटा यारिस को आप अपने नेक्स्ट और अपकमिंग परचेज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक पेट्रोल कार चाहते हो, सेडान में आपको जाना है और 1.5 लीटर पेट्रोल जैसा इंजन आपको टोयोटा जैसी ब्रांड की तरफ से आपको चाहिए, और 8 से 10 लाख रुपए का बजट है आपको कार लेने में, तो आपके लिए हो सकता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन टोयोटा यारिस। और मेरा यही गोल है कि आप जिस भी कार में अपने हार्ड अर्न मनी लगाए वो कार आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। और अगर आप इस इनक्रेडिबल फैमिली के हिस्से हैं तो आपका डिसीजन मैं गारंटी लेता हूं कि कभी गलत नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से इस वीडियो को लाइक या तो डिसलाइक का अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप इसको डिसलाइक करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ मैं जय दवे आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।